इंसान अहमद फ्रॉम टेक्सटाइल। आज हम देखेंगे क्लिपिंग मास्क के बारे में कि हमारे पास क्लिपिंग मास्क क्या होता है। क्लिपिंग मास्क में हमारे पास कंसेप्ट होता है कि हमने फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई भी शेप्स लेनी है, ठीक है। ये हम शेप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, हम टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसके जो है वो अलग-अलग लेक्चर जो है वो मैं आपको प्रॉपर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये कि क्लिपिंग मास्क आप समझ लें कि वो होती क्या चीज़ है या हम उसको किस तरह लेके चलते होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये सारी हमारे पास शेप्स पड़ी हैं, मैंने यहाँ से कोई भी रैंडमली जो है वो शेप ड्रॉ कर ली, जिस तरह हम यहाँ पे सिलेक्शन टूल के जरिए जो है वो मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो लेयर्स पे काम कैसे करते हैं, फिर हमने उसकी जो है वो सिलेक्शन करनी होती है। अब मैंने एक शेप बना ली, इस शेप के अंदर मैंने किसी चीज को क्लिप करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ कि इस चीज को मैं यहाँ पे लगा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करना था आपको, मैंने बताया था कि स्मार्ट रेड क्लास में लगाना है। अब मैंने एंटर दबाया, यहाँ पे जो है वो स्मार्ट रेड डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप जब आप करके एंटर दबा देते हैं तब आपका स्मार्ट रेड ऑटोमेटिकली लग जाता होता है। नीचे हमारे पास वो शेप पड़ी है, ऊपर हमारे पास वो पिक्चर पड़ी है। इस पर मैं राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क करूंगा तो मेरे पास वो चीज उसके अंदर जो है वो फिट हो जाएगी। ये हमारे पास कंसेप्ट होता है क्लिपिंग मास्क का। अब ये यहाँ पे जितनी भी हैं इसका प्रॉपर मैं आपको पूरा लेक्चर दूंगा ये शेप्स के बारे में कि ये क्या होते हैं, हम किस किस तरह इनको यूज कर रहे हैं। ये लिप्स टूल होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जो है वो सर्कल बना लूँ इसका, तो इसके अंदर भी सेम वही तरीका है कि यहाँ से मैं कोई पिक्चर लेके आता हूँ, यहाँ पे आके जो है वो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे इंटर दबाना है, ये ऑटोमेटिकली स्मार्ट वेयर का आपका लग जाएगा। फिर आपने जो पिक्चर होनी वो ऊपर रखनी है और जिसके अंदर क्लिप करना है वो चीज़ आपकी नीचे होनी चाहिए। जिस चीज़ को क्लिप करना है उस पर राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क आपने कर देना है, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन होता है, ये चीज़ इसके अंदर जो है वो क्लिप हो जाती होती है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, हमने पिक्चर्स और क्लिपिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। डिज़ाइन की खूबसूरती जो है वो इसी से बनती होती है कि हमने शेप्स में काम कर रहे होते हैं, क्लिप कर रहे होते हैं चीज़ों को, ठीक है जी। अब ये चीज़ होगी, उसके बाद टेक्स्ट का भी पूरा एक लेक्चर होगा, लेकिन अभी आपको जो है वो क्लिपिंग का बता रहा हूँ कि क्लिपिंग जो है वो हम किस तरह कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट वगैरह लिख लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने नेम ही लिख लेता हूँ इससे NKN, ठीक है। यहाँ से मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, साइज फुल एक दफा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास साइज जो है वो तकरीबन इतना आ गया। वैसे मैं ट्रांसफॉर्म कंट्रोल के जरिए भी इसको जो है वो खींच के बड़ा कर सकता हूँ मिडल के जरिए। अब ये मेरे पास एक चीज़ आ गई है, अब इसके अंदर मैंने किसी चीज़ को क्लिप करना है, सेम वही तरीका है, टेक्स्ट नीचे रहेगा, पिक्चर जो है वो हमारी ऊपर आएगी। इस पिक्चर को मैं जो है वो इसके ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देना है, ये आपकी होती है कि आप इसके अंदर जो है वो क्लिपिंग कर दो उस चीज़। तो इस तरह भी जो है वो आप टेक्स्ट के अंदर भी उस चीज़ की क्लिपिंग कर सकते हो, बहुत अच्छे शेड्स बनते हैं। क्लिपिंग मास्क स्मार्ट ब्रेड इनका बहुत इस्तेमाल होता है फोटोशॉप में। आप जैसे कि हमारे पास कोई भी पिक्चर है, पिक्चर को हमने जिसको भी लेके आना है उसको हमने स्मार्ट ब्रेड क्लास में लगाना है। क्लिपिंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी डिज़ाइन की खूबसूरती चाहिए तो देन आपको क्लिपिंग मास्क करना पड़ेगा, टेक्स्ट के अंदर भी, शेप्स के अंदर भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको रहते हुए जब हम यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा जो है वो हमें प्रीव्यू दे रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद नेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया।